नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने हैं मेसी फर्गुसन 1035 DI महाशक्ति के बारे में, जो कि 39 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों और 3 सिलेंडर के साथ आता है। साथ ही बात करें इसके CC की तो 2400 CC का इसका इंजन, जो कि वाटर कूल्ड आता है। वाटर कूल्ड आएगा दोस्तों तो इसमें आप रेडिएटर अंदर की साइड इस जगह आप दे सकते हैं, और इस जगह दिया गया इसका अल्टरनेटर जो कि 12 वोल्ट 36 एम्पीयर का आता है, जो कि बैटरी चार्ज करने में सहायक होता है। इस जगह दिया गया स्टार्टर मोटर जो कि ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में काम आती है, और एयर फिल्टर दिया गया इस जगह आप, जो कि ड्राई टाइप का एयर फिल्टर इसका 3 स्टेज बात का, और स्टीयरिंग मैनुअल स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से, और खड़ा एक्सल इसमें सामने की तरफ दिया गया है। फ्रंट एक्सल इसका खड़ा दिया गया है, 650/16 के इसके रियल टायर हैं। बम्पर काफ़ी स्टाइलिश और हेवी दिया गए हैं, और ब्रेक कर बात करें इसके ब्रेक की तो ब्रेक इसमें दिए गए हैं ड्राई डिस्क ब्रेक, और इस जगह दी गई इसकी फुटरेस सेंटर शिफ्ट गियर इसमें दिए गए, जो कि 8 पावर 2 लीटर के साथ में आपको मिल जाएंगी। और इस जगह दिया गया है इसका पोजीशन ड्राफ्ट लीवर, जो आप लिफ्ट वगैरह ऑपरेट करते वक्त इसको काम में ले सकते हैं, और इस जगह दिया गया है लॉक सिस्टम, जो कोई ट्रॉली वगैरह में आप ऑयल सप्लाई भी बंद कर सकते हैं इस जगह से, अगर आप खेती वगैरह में काम कर रहे हैं तो। और इस जगह लगती है ट्रैक्टर की चाबी, जो ट्रैक्टर को इंजन को स्टार्ट करती है। इस जगह दिया गया है इसमें चार्जिंग पॉइंट, इधर दिया गया इसका हॉर्न और डिजिटल मीटर, काफ़ी शानदार स्टीयरिंग, अच्छी सीट दिया गया इसका एडजस्टेबल, काफ़ी अच्छा सीट दिया गया है। साथ ही बात करें इसके रियल टायर की, रियल टायर इसके 12/4/28 के दिए गए इसमें। बात करें इसका डीजल टैंक, डीजल टैंक दिया गया इस जगह, जो कि 47 लीटर की कैपेसिटी वाला है। चलते हैं उस साइड और बात करते हैं। ये इसका बोस कंपनी का पंप और 3 सिलेंडर का इंजन, सैमसंग कंपनी द्वारा बना गया इसका इंजन है दोस्तों। और इधर दिया गया वाटर सेपरेटर, जो कि डीजल फिल्टर आप इसे बोल सकते हैं, इधर दिए गए ऑयल फिल्टर, और इधर आपको मिल जाएगा क्लच, जो कि सिंगल ओट वाला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बात करें इसके PTO की, तो PTO का लीवर इस जगह दिया गया है इसमें, जो कि PTO इसकी HP की बात करें दोस्तों तो 33.2 HP का इसका PTO है, और पीछे की साइड दिया गया है इसका टूल बॉक्स, काफ़ी हैवी मटेरियल के साथ में इंडिकेटर कुछ सेम जो पहले मेसी में आते हैं वही है दिए गए इसमें। बात करें इसके बैक साइड लुक की तो काफ़ी शानदार बैक साइड लुक इसका, और इस जगह दिया गया पानी का बोतल रखने का होल्डर आप देख सकते हैं, इधर लगती है इसका नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं, और इधर दिया गया आप ट्रॉली को उठाने के लिए ऑयल की नली लगती है उस जगह लगती है, और कंपनी फिटेड ही इसमें आ रहा है जो देख सकते हैं आप, और PTO इसका दिया गया उस जगह नीचे के अंदर साइड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 6 स्प्लेंड PTO इसमें, जो कि 540 RPM के साथ 1500 RPM बनाता है। और बात करें इसके लिफ्ट कैपेसिटी की, तो 1100 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इसकी, और टू व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर आता है दोस्तों, देखिए आप दोस्तों। इस ट्रैक्टर से जुड़ी अगर कुछ जानकारी छूट गई और रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही इसकी कीमत जानने के लिए आप हमें कमेंट करके इसकी कीमत पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आ रहे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।